गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका हमारे चैनल द एचपी डिश टी में एक बार फिर से स्वागत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम लोग अपना जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, उसमें से कल जो है कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि उनको इस दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है। तो पहले हम ये दो क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आज अगला उसी के आगे छठवें क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। हमने क्या कहा कि वीडियो नंबर एक आप अगर पूरा ध्यान से देखें हैं तो आपको कोई समस्या नहीं बनेगी। भाई मैंने कहा कि कोई भी अगर सीरीज है, समांतर सीरीज है, तो उसमें आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहले चीज प्रथम पद पता चल जाए, सर्वांतर हमको पता चल जाए, और पदों की संख्या पता चल जाए कितने पद हैं, या फिर हमको ये पता चल जाए कि आखिरी पद क्या है, तो हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन ये दूसरे का दूसरा क्वेश्चन देखिए। एक चीज याद रखिएगा, अगर कहीं लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक, 2, 4, 6, 8, 10, इसमें अगर अभी कोई पूछ ले कि यनवा पद कौन है, तो जो हमारा यनवा पद होगा ना, वो यनवा पद हमारा 10 होगा। क्या होगा? 10 होगा। अगर अभी कहीं लिखा रहे 2, 4, 6, 20 पदों तक, 20 पदों तक, दोनों चीज में डिफरेंस समझिएगा। इसका मतलब क्या हुआ और इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। इसका मतलब हुआ कि आखिरी पद जो है, आखिरी पद यानी कि यनवा पद TN बराबर 10 दिया गया है, और इसका मतलब क्या हुआ कि 20 पदों तक, इसका मतलब कि 20 पद तक हमको जाना है, इसका मतलब यन का मान 20 दिया गया है। दोनों में अंतर है, इसमें यन का मान 20 दिया गया है और इसमें TN का मान 20 दिया गया है, ठीक। तो जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें देखिए पहला पद हमको कितना दिए है, -3, यानी कि ए बराबर हमको दिए है -3। फिर देखिए बी का मान हमको पहले निकालेंगे, तो चूंकि मैंने बताया है कि ऐसे ऊपर लिख लिया कि जो T1, T2, T3, तो डी का मान निकालने के लिए T2 में से T1 घटा दीजिए, वही हमारा डी का मान हो जाएगा। T2 माइनस T1 कर लेंगे तो ये हमारा किसका मान हो जाएगा, ये हमारा डी का मान हो जाएगा। बराबर है बराबर T2, T2 का मान कितना है -1/2, और -T1 का मान है -3, ठीक। तो चूंकि माइनस में है इसीलिए मैंने इसको ब्रेकर में लिखा, तो अगर इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा -1/2 और -±+3। इसके बाद देखिए बराबर है बराबर, 2 लघुत्तम ले लीजिए तो हो जाएगा -1 और +2×3 करेंगे तो 2×3=6, या फिर ये हो जाएगा 5/2। तो ए का मान हमको 3 दिए हैं, डी का मान हमको 5/2 दिए हैं। आगे देखिए हमको निकालना क्या है, इसमें कह रहा है का 11वां पद होगा, हमको 11वां पद निकालना है। 11वां पद का मतलब T11 हमको निकालना है। जो ये 11 दिया गया है, ये 11 क्या है, ये हमको यन का मान दिए हैं कि यन बराबर 11, जैसा कि हमने बताया। तो देखिए यन का मान 11 दिए हैं, T11 निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं TN बराबर a+n-1 t, तो यन का मान 11 है, यानी कि T11 हमको निकालना है। इसका मान हमको निकालना है, दिया नहीं गया है। a का मान हमको दिए हैं -3 और +n का मान हमको दिए हैं 11, 11वां पद, 20वां पद, 25वां पद, तो जो ये दिए हैं ना, वह जिसमें लग जाए, जान लीजिएगा वो हमको यन का मान दिए हैं। तो 11-1 और d का मान हम अभी निकाले 5/2। तो देखिए बराबर है बराबर, -3 है -3, 11 में से 1 गए 10 और × 5/2, तो 2×5=10, यानी कि ये आ गया -3 और +5=25। तो या फिर इसको जब घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 22, यही आ जाएगा आंसर, ठीक। तो यहां अब कहीं समस्या हो तो बताइएगा, हम एक बार फिर से इसको बता देंगे। अब इसको देखिए, हमने क्या कहा
अभी हमने कहा कि जैसे 2, 4, 6, 8, 10 दिया गया, तो आखिरी पद जो होता है वही हमारा Tn का मान होता है। तो जो ये 3 है ये हमारा Tn है 3, ठीक। और हमने कहा कि n जो होता है वो पदों की संख्या होती है। इसमें कितने पद है, देखिए 1, 2, 3, 4 कितने पद है, 4 पद है। तो 4 पद है जिसका मतलब n बराबर 4 दिया गया। पहला पद हमको पता है, नहीं पता। पहला पद हमको नहीं पता है, तो पहला पद हमको नहीं पता है तो पहला पद मान लीजिए कि a है, ठीक। हमको d का मान पता है, d का मान भी इसमें नहीं पता, तो d का मान भी नहीं पता, यानी कि t का मान नहीं पता। लेकिन इतना जानते हैं हम कि अगर ये t1 है, ये t2 है, ये t3 है, ये t4 है। हमको क्या दिए हैं, हमको दिए हैं t2 बराबर 13। क्या दिए हैं, t2 बराबर 13। तो t2 का मतलब क्या हुआ बताइए, t2 का मतलब हुआ a प्लस 2-1 इंटू डी। कल हमने पहले लेक्चर में हमने बताया है कि अगर दूसरा पद कहे तो पहले पद में से एक घटा देंगे, यानी कि 2-1 इंटू डी, ये बराबर हमको दिए हैं 13। तो a का मान हमको नहीं दिया गया है, a हो गया प्लस डी हो गया बराबर 13 हो गया, समीकरण 1 मान लीजिए इसको। फिर देखिए कह रहा है कि चौथा पद हमको कितना दिए हैं, 3 दिए हैं। चौथा पद हमको 3 दिए हैं, अर्थात T4 बराबर हमको दिए कितना, 3 दिए हैं। तो T4 का मतलब हुआ A प्लस 3D, ये बराबर हमको दिए हैं 3। तो A ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 देखिए, अगर हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दें, एक में से दो घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा बताइए। जब हम एक में से दो घटा देंगे तो हमारा समीकरण 1-2। तो समीकरण 1 में से 2 घटाना है, a प्लस डी बराबर 13 दिए हैं और a प्लस 3d बराबर 3 दिए हैं। जब इसे घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये कट जाएगा हमारा -2d बराबर, इसको घटा देंगे क्या आ जाएगा 10। तो डी बराबर -5, डी का मान हमको मिल गया -5। तो डी का मान -5 मिल गया, तो चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में अगर हम रख देंगे तो a प्लस डी, डी का मान है -5, ये बराबर कितना है 13 के। तो चलिए a -5 बराबर 13, या फिर a बराबर 13, ये -5 उधर जाएगा प्लस 5, तो a बराबर 13 5 5 3 18। a का मान हो गया हमारा 18, d का मान हो गया हमारा -5। तो जब इसमें भरेंगे तो इसका मान हो जाएगा 18, ठीक। फिर ये 13 हो गया भाई। अब अगला पद T3 निकालना है अगर हमको, तो इसी T2 में अगर हम d का मान जोड़ दें तो हमारा T3 हो जाएगा, यानी कि क्या T3 बराबर T2 प्लस d होता है। T2 का मान है 13 और प्लस d का मान है -5, तो 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 8। कहीं समस्या हो तो बताइएगा, दोनों क्वेश्चन एक बार हमने फिर से बता दिया है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। आपका क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ 6, 7, 8, 9, 10। अगर ये सही नहीं दिख रहा हो तो परेशान मत होइएगा, आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है आप उसको देखिए, ठीक। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा है कि 11, 8, 5, 2... का एक पद -150 है। तो हमको बताना है कि क्या इस श्रेणी का एक पद -150 होगा या नहीं होगा, ठीक। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हमको अगर मानते हैं कि मान लीजिए 150 जो है -150 इस श्रेणी का कोई पद है, तो हम ये मानेंगे कि मान लीजिए कि Tn यनवा पद हमारा है कितना -150। तो चूंकि पहला पद कितना दिया गया है 11, a बराबर दिया गया है 11, और d का मान निकालने के लिए हम दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे,
यानी कि 8 में से जब 11 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा -3। अब चूंकि हम जानते हैं कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो अब चलते हैं an, an का मतलब वही tn जो है वही an है, दोनों एक ही चीज है। ये हमको दिया गया है -150 बराबर a, a का मान हमको दिए हैं 11, n का मान हमको निकालना है, इंटू डी, डी का मान दिया गया है -3। अगर ये -150 इस श्रेणी का कहीं भी पद होगा तो जो यंग का मान है, यंग का मान हमारा धनात्मक, मतलब धनात्मक आएगा और कोई पूर्ण संख्या आएगी, मतलब भिन्न में नहीं आएगा। अगर भिन्न में नहीं आएगा तो 150 इस श्रेणी का सदस्य पद है, अगर माइनस वो मतलब कि अगर बटे में आ जाएगा तो 150 इसका पद नहीं होगा। तो चलिए -150 बराबर 11 प्लस 3 इकन्नम 3 एन माइनस, या फिर इसको एन माइनस 1 इंटू 3 ही रहने दीजिए। ये जो हमारा प्लस 11 है इसको हम इधर लेके जाएंगे तो -11 हो जाएगा, या फिर इसको आप जब घटाएंगे तो 139 माइनस में बराबर एन माइनस 1 इंटू 3, तो या एन माइनस 1 बराबर आ जाएगा हमारा -139/3। तो अब हम देख रहे हैं कि अगर यहां से यन का मान निकालें तो 139/3 -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, या फिर यन बराबर -139 और +3 निकलना 3/3, इसका मतलब यन का मान आ गया हमारा -136/3। तो अब जब इसको काटेंगे तो देख रहे हैं कि यन बराबर नहीं है पूर्ण संख्या के, अर्थात हमको पूर्ण संख्या के बराबर नहीं मिला। तो अगर पूर्ण संख्या के बराबर नहीं मिला तो जान लीजिएगा कि 150 इसका सदस्य नहीं है। अगर अभी यही यन का मान आ जाता 15, 16, 17, 18, 19, 20, 40, 50 कुछ भी आ जाता, गिनती आ जाती, पूर्ण संख्या आ जाती, तो हम कहते हैं कि श्रेणी का 50वां पद 150 है या श्रेणी का 40वां पद 150 है। लेकिन अगर आगे श्रेणी का 136/3वां पद, तो क्या कोई दशमलव में भी पद होता है? क्या पदों की संख्या क्या दशमलव में होती है? नहीं होती, इसका मतलब ये इसका सदस्य नहीं होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करो। ठीक, क्या ज्ञात करना है हमको? श्रेणी का 31वां पद यानी कि t31 बराबर y, t मतलब टर्म, 31 मतलब 31वां पद ज्ञात करना। क्या दिया है? 11वां पद 38 यानी कि t11 हमको दिए हैं 38 कामा, और 16वां पद 73 है, t16 हमको दिए हैं कितना? 73। तो आप केवल एक ही चीज जानिए कि पहले a और d हमको निकालना है। T11 बराबर 38 अगर दिया है तो चूंकि हम जानते हैं कि Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो जब यहाँ n था तो यहाँ n माइनस 1 था, यहाँ 2 था तो यहाँ 2 माइनस 1 होगा, यहाँ 10 होगा तो यहाँ 10 माइनस 1 होगा, यहाँ 11 होगा तो यहाँ 11 माइनस 1 होगा, अर्थात a प्लस 11 माइनस 1 इंटू d बराबर 38, या फिर a प्लस 10 d बराबर 38, समीकरण एक हो गया। अगर हम इसके लिए करें तो हमारा क्या हो जाएगा? a प्लस 16 माइनस 1 इंटू d बराबर 73, या फिर a प्लस 16 में से 1 गए 15 d बराबर 73, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को घटा दीजिए, समीकरण 1 है 2 इसी के नीचे मैं लिख दे रहा हूं, तो जब इसको घटाएंगे तो चिन्ह हमारा बदल जाएगा, इससे कट जाएगा, बचेगा क्या? -5d बराबर इधर घटाएंगे तो 73 में से 38 घटाएंगे, तो 13 में से 8 गए 8, 5 13, 6 बचे और 6 में से 3 गए 3, यानी कि d बराबर 5 7 35, d का मान आ गया 7। क्या आ गया? d का मान 7 आ गया, और d का मान उठा करके चाहे समीकरण 1 में रखिए और चाहे d का मान उठा करके समीकरण 2 में रखिए, तो समीकरण 1 से a प्लस 10 इंटू डी बराबर 38, या फिर a प्लस
दस सत्ते सत्तर बराबर अड़तीस, या फिर ए बराबर अड़तीस माइनस सत्तर। तो देखिए अब बचेगा क्या, हमारा बत्तीस बचेगा और वो भी माइनस में। ए का मान आ गया माइनस बत्तीस, डी का मान आ गया साठ। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है टी थर्टी वन। तो यानी कि टी थर्टी वन बराबर ए प्लस थर्टी वन माइनस वन इंटू डी। तो ए ए का मान निकाले हैं कितना, माइनस बत्तीस प्लस थर्टी वन माइनस वन करेंगे तो थर्टी इंटू डी, डी का मान कितना है सात। तो माइनस बत्तीस प्लस तीन सत्ते इक्कीस दो सौ दस, इसको जब घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर कितना, दस में से दो गए आठ, उसके बाद ग्यारह में से तीन गए आठ और एक, यानी कि एक सौ अठासी, यही आ जाएगा हमारा आंसर कि श्रेणी का जो इकतीसवां पद होगा वो होगा एक सौ अठासी। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सात। एक बार देख लीजिए, कहीं समस्या हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम उसको अगले वीडियो में अपने बता देंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर आठ। क्वेश्चन नंबर आठ देखिए क्या कह रहा है कि एक श्रेणी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106। कितने पद है, देखिए 50 पद है। ठीक, और कह रहा है जिसका तीसरा पद 12 है, यानी कि टी थ्री बराबर 12 और अंतिम पद, भाई 50 पद हैं और अंतिम पद अगर जो है हमारा 106 है तो इसका मतलब 50वां पद कितना है 106। चाहे हम इसको लिख दें एल और चाहे लिख दें टी फिफ्टी, ये बराबर है 106 के। तो एल का मतलब होता है अंतिम पद, याद रखिएगा। तो हमको क्या कहना है, 29वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि टी 39 बराबर, यही चीज है। तो चलिए उसी तरह जिस तरह इसके पहले वाला क्वेश्चन लगाए उसी तरह हम इसको लगाएंगे। ये आपको मैं होमवर्क देता हूं, ठीक, क्वेश्चन नंबर आठ आपका होमवर्क है। जिस तरह इसके पहले वाला लगाया हूं सेम टू सेम उसी तरह लगेगा, इसको आप लगाइएगा। मैं क्वेश्चन नंबर नौ बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर नौ में बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर नौ में कह रहा है कि श्रेणी के तीसरे व नौवे पद क्रमशः चार और आठ है, यानी कि तीसरे पद चार, क्या कह रहा है कि श्रेणी के तीसरे और नौवे पद, यानी टी थ्री और टी नाइन, चार और माइनस आठ है, चार और माइनस आठ है, तो श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। हम मान लेंगे कि माना यनवा पद हमारा शून्य है, तो अगर यनवा पद हमारा शून्य है तो चलिए पहले यहां जिससे हम ए और डी का मान निकालेंगे, तो टी थ्री यानी कि ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, ये बराबर कितना दिया गया है चार के। तो या ए प्लस टू डी बराबर चार, समीकरण एक। टी नाइन बराबर एट दिया गया है, तो ए प्लस नाइन माइनस वन इंटू डी बराबर माइनस एट के। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एट डी बराबर माइनस एट के, ये हो जाएगा समीकरण दो। यहां से हम ए और डी का मान हल कर लेंगे, तो ए प्लस एट डी बराबर माइनस एट, तो माइनस माइनस प्लस, ये हमारा कट जाएगा, तो माइनस सिक्स डी बराबर आठ चार बारह डी, तो डी बराबर छह दूनी बारह, डी का मान आ गया माइनस दो। अब डी का मान उठा करके समीकरण एक में रख दीजिए, तो समीकरण एक से तो ए और प्लस डी यानी कि दो गुणे माइनस दो बराबर चार, तो ए माइनस चार बराबर चार, तो ए बराबर ये चार उधर जाएगा, क्या आ जाएगा आठ। ए का मान आठ आ गया, डी का मान माइनस दो आ गया। हम मानते हैं कि हमारा यनवा पद अगर जीरो होगा तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो टी एन का मान जीरो है, ए का मान आठ है प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान माइनस दो है, तो यही एन का मान हम निकालेंगे। आठ को इधर लाइए, माइनस आठ बराबर एन माइनस वन इंटू माइनस दो, दो माइनस माइनस कट जाएगा, दो चौक आठ, यानी कि यन माइनस वन बराबर कितना आ गया चार के, तो यन बराबर चार एक पांच के, यही आ जाएगा हमारा आंसर। इसका मतलब कि श्रेणी का जो पांचवा पद होगा, पांचवा पद क्या होगा शून्य होगा। ठीक, तो ये चीज है। अगला क्वेश्चन नंबर दस जो है हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।
और ये आपका होमवर्क है, लगाने की कोशिश कीजिएगा, अगर आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो हम इसको अगले वीडियो में बताएंगे। कहीं और समस्या हो तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।